जी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। तो कंपनी बताएं पहले, कंपनी क्या होती है? कंपनी तो सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें एक ही ओनर होता है, एक ओनर। पार्टनरशिप, एक से ज्यादा ओनर हो, पार्टनरशिप हो गई। और कंपनी ओनर एक नहीं, डायरेक्टर शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। ओनर कौन होता है? ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर भी उसके ओनर होते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं शेयर होल्डर कंपनी में? डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? शेयर्स पे। अच्छा, कंपनी टाइप्स कितनी तरह की होती है? कौन कौन सी? पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड में कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड में कितने होते हैं? पब्लिक में 1 से 20 नहीं, 1 से 20 पार्टनरशिप, 2 से 20 कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड में 49% नहीं, परसेंट क्या होता है? परसेंट ही क्या? ओनर कौन होता है? कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर तो होते हैं, ठीक। पब्लिक लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर हो सकते हैं, ठीक। और पब्लिक लिमिटेड में अनलिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड के शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड। सो चले अटेंडेंस एक हो गया आपकी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट में मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स होते हैं और पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम अनलिमिटेड। अच्छा, तो कंपनी के ओनर कौन हुए? अच्छा, ओनर होता कौन है? जो इन्वेस्ट करते हैं ना कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स करते हैं। तो ओनर कौन हुए? शेयर होल्डर्स, ठीक है। अच्छा, कंपनी को मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स होते हैं, चंद लोग। तो डायरेक्टर्स के स्टेटस क्या होता है? ओनर या एम्प्लॉय? डायरेक्टर्स एम्प्लॉय होते हैं, सैलरी मिलती है उनको, ठीक। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, कंपनी की क्या बनती है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप कुछ इस तरह। कंपनी कैसे है? एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्स फॉर सम कॉमन पर्पस, राइट। तो कई इंडिविजुअल्स बल्कि यानी कि इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कौन हो गए? शेयर होल्डर्स, जो मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी चलाते हैं। उससे फिर वो एक कॉमन पर्पस होता है इनका, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक। अच्छा, शेयर होल्डर्स को रिटर्न क्या मिलता है? डिविडेंड, प्रॉफिट मिलता है, जिसको आप कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। तो प्रॉफिट मिलता है कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कंपनी, मतलब ये कुछ फीचर्स हैं कंपनी के, जिसकी बेस पर हम सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, डिपेंडेंट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड अच्छा, पहला पॉइंट क्या? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ और इंडिपेंडेंट लीगल तो याद है कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, याद है क्या था? सेपरेट एंटिटी, ओनर, सेपरेट एंटिटी। अच्छा, वो हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी, ओनर सेपरेट एंटिटी। अगर हम बात करें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा एक लॉ हमारे यहाँ आप लोग पढ़ेंगे F4 में, जिसे हम कहते हैं कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड है, इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं कि आपने कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, किस तरह से शेयर इशू कैसे होंगे, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक
कंपनी को आपने रन कैसे करना है, सारे रूल्स रेगुलेशन उसमें मेंशन, पूरा एक लॉ बना हुआ है जिसको तमाम कंपनीज फॉलो करती है। तो सब कहते हैं कंपनी लॉ, वो आप लोग पढ़ेंगे F4 में डिटेल। अब अगर हम बात करें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बिजनेस लॉ के, तो लॉ ये कहते हैं कि सोल ट्रेडर सिंगल एंटिटी, पार्टनरशिप सिंगल एंटिटी, कंपनी जो है वो सेपरेट। लॉ की नजर में सिर्फ कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, बाकी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप क्या है सिंगल। बाकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हर बिजनेस सेपरेट एंटिटी और हर सेपरेट। लॉ के अकाउंटिंग वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, याद है हर बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होता है, ओनर सेपरेट एंटिटी, वो बात कर रहे थे हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बिजनेस लॉ कंपनी लॉ की, तो लॉ ये कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल एंटिटी, पार्टनरशिप सिंगल एंटिटी, कंपनी सर। अच्छा देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, इसकी रीजन भी क्या है, देखिए सेपरेट एंटिटीज को स्टेटस देने की क्या रीजन है, सेपरेट एंटिटी या आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, आप खुद करेंगे, रन कौन करेगा, अच्छा लाइबिलिटीज पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, खुद ही आप, ठीक है। अच्छा अब अगर पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कौन करता है, पार्टनर्स, रन कौन करता है, तो लाइबिल कौन है, पार्टनर्स हैं तो ठीक। अच्छा अब बात करें कंपनी की, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी को रन कौन करता है, डायरेक्टर्स का स्टेटस क्या होता है, एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। अच्छा शेयर होल्डर्स ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स जो कि घर पे बैठे हैं, रन कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स जो कि एम्प्लॉय, ठीक है, सैलरी ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। अच्छा अब जो लाइबिलिटीज है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, अगर एक कंपनी बंद हो जाती है आपकी, आप लाइबिलिटीज पे करनी है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, शेयर होल्डर होंगे, क्यों, तो क्या हुआ, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट किए हुए, कंपनी बंद हो गई, पहली बात तो आपके पैसे समझे तकरीबन डूब ही जाते हैं कि कंपनी बंद हो जाए तो, और अब आपको वो उठाने आगे चैलेंज लाइबिलिटीज पे करें नहीं क्या, नहीं पैसे होंगे तो दे देंगे, नहीं कंपनी के पास पैसे खत्म हो कोई रिस्पॉन्स क्या, घर से नहीं ले जाते, क्यों, बिजनेस नहीं। सेपरेट एंटिटी फॉर्मेट होना तो इसलिए, और उसमें क्या होता है सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में, घर कुछ से सामान चला जाता, कंपनी में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्यों अलग होती है, लॉ है, लॉ क्यों बनाया था, क्यों है, उसी में बात कर रहे ना, सेपरेट क्यों है, आर्टिफिशियल किससे, क्यों किया, तो हाँ तो ये फर्क क्यों रखा है, बराबर क्यों नहीं रखा, लंबी क्यों लिमिट, हाँ तुम लंबी करके तभी तो समझ में आएगा, लंबी करके ये तो वो पॉइंट्स है ना जो आप रिलेटिव है पॉइंट्स को बता रहे हैं, तो सेपरेट एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है, सब ये होता है वो होता है, ठीक, क्यों, क्यों क्यों, ये तो सारे लॉ है, रूल्स है ना, वो आप रूल्स बता रहे हैं पॉइंट्स काम में, ठीक है। अब देखिए सोल ट्रेडर में क्या है, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही आप रन करते हैं उसको, तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे ना, जैसे सपोज आपने बैंक से लोन लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बैंक से आपने लोन लिया तो लोन पे कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप ही, आपके बिजनेस, आप लोन लेंगे अपनी मर्जी से, आप उसे यूज करेंगे अपनी मर्जी से, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपको लेने वाले भी आप, यूज करने वाले भी आप, तो देने वाले भी आप ही हैं। पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होगा, पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कितना लोन लेना है, कैसे यूज करना है, तो पे कर रिस्पॉन्सिबल भी कौन, पार्टनर कंपनी में क्या होता है, कंपनी कौन चला रहा है,
अब लोन लेना है अगर तो रिस्पॉन्सिबल कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कितना लोन लेना है। अच्छा, और यूज करना है कैसे, यूज करना है कौन डिसाइड करेगा? ये भी डायरेक्टर, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। ठीक, अब तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अब वो लोन रीपे करने के लिए, लायबिलिटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर्स होंगे। कंपनी खुद होगी। कंपनी क्या है? एक बिजनेस है बस, बिल्डिंग। मतलब एक तो बिल्डिंग हो गई या कंपनी जिसको हम कहते हैं, कंपनी किसको कहते हैं? वो जो बिल्डिंग पूरी बनाई ना, एक कंपनी हो गई, उसमें चंद लोग बैठे हैं जिन्हें डायरेक्टर क्या, जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं। और इन्वेस्ट किसने किया? शेयर होल्डर, जो अपने घर पे बैठे हैं। लेकिन ये सब शेयर होल्डर, कंपनी हाँ के से उठाना उसी पे बता रहा हूँ क्यों, उसी लॉस। ये सारे पॉइंट्स आप बता रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, वो कंपनी पे होगा जो कंपनी पे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर क्यों, बिजनेस। फिर भी बात क्यों? ये तो सारे पॉइंट्स हैं जो आप मुझे बता रही हैं, बिल्कुल सही बता रही हैं, सारे पॉइंट्स आपके वैलिड हैं। ये तो पॉइंट्स हैं लिखे हुए, उसी पे आ रहा हूँ ना क्यों, मजा आ गया। हाँ देखे, हाँ हाँ क्यों, फिर वही बात है कि क्यों क्यों वो ठीक है तो लार्ज स्केल पे होते हैं हाँ जैसे अलग हाँ सर, ये थोड़ा पॉइंट सही आया ना बात, ठीक है ना। आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की भी है, कंपनी आपकी चल रही है, कौन चला रहा है? अच्छा, लोन लेना है कौन डिसाइड करेगा? आपसे पूछेंगे आगे? नहीं, आपसे पूछेंगे आगे? वो बता देते हैं ना, उसमें पूछेंगे नहीं आपसे, आपसे आगे पूछेंगे थोड़ी, सबसे लोन लेना लें, आपको क्या पता। ठीक, अच्छा लोन आ गया, आप उसको यूज कैसे करना है आपसे पूछेंगे, वो डिसाइड करेंगे ना। अच्छा देखे ना, वो खुद डिसाइड करेंगे ना, क्यों करें, आपसे क्यों पूछें। तो उनको लाता कौन है डायरेक्टर, ये बताएं। शेयर होल्डर से लेके आते हैं, कैसे लेक्चर होते हैं, वोट देते हैं। तो आप एक बंदे को लेकर आए, किससे लाए? कंपनी चलाए, आप चलाने के लिए आपने बिठा दिए ना, अब बार बार आपसे पूछेगा आके? फिर नहीं पूछेगा, चलाने तो खुद ही चला लेते, पर अगर आपने मशवरा देना होता तो आप खुद ही चला लेते, डायरेक्टर क्यों लाते? ठीक है ना, आप कुछ लोगों को लाए, आपने उसको बिठाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो आपको कुछ राइट अथॉरिटी भी देंगे ना। अच्छा, अब लोन ले लिया, डायरेक्टर ने यूज कर लिया, अब रिस्पॉन्सिबल कौन? क्योंकि वहां पे क्या शेयर होल्डर से कोई लेकिन चला कौन, यूसुफ वो कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड तो उन्होंने किया, डूबो गए तो उन्होंने सबसे फर्स्ट करे, कंपनी डूब गई आपकी, डूबने वाला कौन? डायरेक्टर, डायरेक्टर डुबाने वाला, डूबी कंपनी, डुबाया किसने, किसका पैसा डूबा, अब रिस्पॉन्सिबल कौन है लायबिलिटी पे? क्यों, अगर आप तो यहाँ बैठे हो तो क्या होगा, आपको तो अपने भी इन्वेस्टमेंट डूब गई ना। अब अगर बैंक वाले आपको उठाने आ जाए तो कैसे लगेगा? लगी है क्या बात है यार, एक तो हमने इन्वेस्टमेंट की वो डूब गई हमारी, सॉरी नहीं कर लेंगे। अच्छा तो इसका तो शेयर होल्डर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे ना, क्योंकि ना वो कंट्रोल कर रहे हैं ना मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठे हैं। आप किसी भी कंपनी में, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी बंद हो गई, या बैंक वाले आपको उठाने आएगा, चलो भाई दोनों आपस में, नहीं मजा नहीं आएगा ना, बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा डायरेक्टर को उठा के लेते हैं, तो सही जाने तो कह के, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं तो सैलरी लेके काम कर रहा था, मेरा क्या, मैं क्यों पे करूँ? तो कंपनी ये डायरेक्टर बच गए, अच्छा शेयर होल्डर भी बच गए, डायरेक्टर बच गए, तो क्या क्या, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं तो सैलरी लेके काम कर रहा था, फिर तो चला जाएगा, वो क्यों पे करेगा? ठीक, अब कौन बचा, कौन बचा? नहीं, शेयर होल्डर तो बच गया ना, डायरेक्टर भी घर गया, शेयर होल्डर भी घर गया, बच गई वो कंपनी है का, यानी को बिल्डिंग जिसको आप कहेंगे कंपनी। तब बैंक किसको पकड़ेगा? कंपनी को। तो हम कंपनी नहीं, आप कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा मैंने कहा क्यों, ये थोड़ा बोल देना। हाँ अच्छा, कंपनी होगी क्यों? अच्छा हाँ, कंपनी कि वो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे, मैनेज नहीं कर रहे, और डायरेक्टर जो वो कंट्रोल मैनेज करते हैं, लेकिन वो ओनर नहीं है, वो तो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो ओनर भी बच गए, एम्प्लॉय बच गया, कौन बचा? कंपनी, खुद वो एक बिल्डिंग बची, तो अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो बिल्डिंग। बैंक क्या करेगा, अब उस बिल्डिंग को सील करेगा, उसके एसेट बेच के अपने पास, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? कंपनी। ठीक है, तो
इसीलिए लॉ ने उसको क्या स्टेटस दे दिया था, एक आर्टिफिशियल पर्सन का। इसलिए लॉ ने कंपनी को स्टेटस क्या दिया, एक आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि रियल तो नहीं है ना, वो नॉन लिविंग है, तो उसको क्या स्टेटस दिया, एक पर्सन का, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन। ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल। ठीक, तो इसलिए कंपनी का स्टेटस क्या दिया है, आर्टिफिशियल पर्सन का, उसको एक सेपरेट एंटिटी बना दिया, ये एक सेपरेट एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी लाइबिलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अच्छा अब एक पर्सन का स्टेटस मिल गया उसको, तो उसके साथ साथ उसको फिर क्या स्टेटस दे दिया, एक और इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। समझ गए, अच्छा अब लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब लीगल एंटिटी, कंपनी लीगल एंटिटी क्या मतलब, अपना स्टेटस है, तो सेपरेट एंटिटी हो गया ना, कि उसका अपना एक स्टेटस है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपनी लाइबिलिटीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। लीगल एंटिटी का मतलब तो क्या करेगी उससे, फिर क्या होगा उससे, क्या होगा कंपनी के, नहीं तो फीचर है ना कंपनी का, कि कम हाँ और यहाँ वो मतलब तो कंपनी लॉ हो गया, लीगल स्टेटस यहाँ मतलब एंटिटी के, कंपनी जो है वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स कर सके। जैसे हमारे क्या होता है, हमें अपने नाम से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करना है तो कब कर सकते हैं, कब एलिजिबल होता है, 18 के बाद, एनआईसी बनने के बाद, जब एनआईसी आपका बनता है, एनआईसी बनता है 18 ईयर्स के बाद, तो 18 ईयर्स के बाद जब एनआईसी बनता है तो फिर हम अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, कोई एसेट परचेज कर सकते हैं, गाड़ी बाइक घर कुछ भी। ठीक है, तो राइट, तो कंपनी ने क्या, लॉ लॉ ने कंपनी को फिर एक पहले एक स्टेटस क्या दिया, आर्टिफिशियल पर्सन का, एक पर्सन बना दिया, तो साथ ही उसको फिर स्टेटस क्या दे दिया, लीगल एंटिटी का, कि कंपनी जो है वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन कर सकते। किसको मतलब, अगर जैसे कंपनी लोन लेते हैं, लोन लेंगे तो लोन किसके नाम पे अप्रूव होगा, कंपनी के नाम, डॉक्यूमेंट्स पे किसका नाम आएगा, कंपनी का, ना किसी शेयर होल्डर का आएगा, ना किसी डायरेक्टर का नाम आएगा कंपनी का, इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है, फिर कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी पे करने। तो कंपनी हो गई एक आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, इसके साथ ही लीगल एंटिटी भी हो गई। अच्छा, तो जब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो उसमें साइन भी होते हैं, जिसके नाम से डॉक्यूमेंट बनता है उसके साइन भी होते हैं उसमें, जब कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन, साइन तो नहीं कर सकती ना, फिर क्या होगा, उसकी स्टैंप लग जाएगी, जहां जहां साइन रिक्वायर्ड होते हैं वहां वहां कंपनी की स्टैंप लगती है, जिसे हम कहते हैं कॉमन सील स्टैंप। तो कंपनी की कॉमन सील होती है जो एज अ सिग्नेचर यूज हो रही है डॉक्यूमेंट। इसके बाद एक फीचर इसका क्या है, परपीचुअल सक्सेशन। अच्छा, परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है, रिटायर मर जाए या पागल हो जाए या डेथ हो गई, जाए तो बैंकरप्सी हो जाए, लेकिन वो कंपनी पे पर्चे पड़ जाए, कंपनी हनी होती पार्टनरशिप करती है और चलती सोल ट्रेडर कंपनी चलती रहती। रहती। हाँ, तो परपेचुअल सक्सेशन मीन होता है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। अपने वो पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पीरियोडिक्स, परपेचुअल, परपेचुअल में हुए थे ना, कंटिन्यूअस बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, कंटिन्यूअस चलता रहता, तो परपेचुअल मीन वही कंटिन्यूअस, सक्सेशन में एग्जिस्ट। ठीक है, कंपनी जब वो कंटिन्यूस चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक कि आप खुद से वाइंड अप ना कर। देखिए, आप एक सोल प्रोपराइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस खत्म हो गया, नहीं बिजनेस बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, चार पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक पार्टनर रिटायर हो गया, तीन रह गया, तो कब पार्टनरशिप खत्म हो गई, नहीं नहीं खत्म हो गई। पार्टनरशिप क्यों, बताओ सही। बिजनेस चलेगा, पार्टनरशिप क्या होती है, तो एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है क्या ऐसा? होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है ना, जब पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो एग्रीमेंट बनता है। अच्छा, अब देखिए, चार पार्टनर्स थे, चार के नाम से एग्रीमेंट बना, बिजनेस चलना शुरू हुआ, एक पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गया। अच्छा, बाकी अगर तीन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा या पुराने पे चलेंगे, नया बनेगा।
तीन के नाम से फिर नया बनेगा, नए टर्म्स एंड कंडीशन, फिर बिजनेस चलेगा। तो नया एग्रीमेंट बनने का मतलब पुराने एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट स्टार्ट होगा। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होने का मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। राइट, तो पार्टनरशिप भी आपकी यह खत्म हो जाती है कि पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, तो पार्टनरशिप खत्म। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं, डायरेक्टर्स अगर रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, नया आ जाएगा, कंपनी चलती रहेगी ना। शेयर होल्डर की डेथ हो जाए या चेंज हो जाए, दूसरा आ जाएगा। आपने शेयर्स खरीदे, आपने इनको सेल कर दिए, शेयर होल्डर चेंज हो गया, तो उससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो कंपनी क्या चलती रहेगी। हाँ, अपनी मर्जी से करेंगे ना, खुद से नहीं होती। मतलब किसी के आने जाने, डेथ होने, रिटायर होने से कंपनी बंद नहीं होती, जब तक कि आप खुद से, हम बोलते हैं खुद से उसको वाइंड अप ना, खुद से बंद करें। जब वही कह रहा हूँ ना, कंपनी खुद से बंद नहीं होती जब तक कि आप बंद ना, सारे शेयर नहीं सब मिलकर ना, एक जरूर नहीं एक के पास आ रहे हो। मतलब किसी के आने जाने, डेथ होने, रिटायर होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक कि आप खुद से वाइंड अप ना करें। कभी आज हमने कंपनी को बंद करना है, सब डिसाइड कर लें तो बंद होती है, ठीक। बाकी किसी डायरेक्टर के रिटायर होने या डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर के रिटायर या वो चेंज होने या डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। कंपनी अपनी जगह चलती रहती है, चलती रहती है, जब तक कि आप खुद से वाइंड अप ना। अच्छा, इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बाकी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड पार्टनरशिप में ऑप्शन होता है, लेकिन नॉर्मल अनलिमिटेड। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड क्या मतलब हुआ, खत्म आपको हो गया था कैसे आपकी कैसे इतनी। हाँ, तो कंपनी के, ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड, क्योंकि कंपनी आपकी बंद हो गई। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस आपका बंद हुआ, आपने एसेट सेल किया, अपने सारे लाइबिलिटीज पे की, लाइबिलिटीज और कैश खत्म हो गया, लाइबिलिटीज खत्म नहीं, तो क्या होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आपको अपने घर से पैसे लाना पड़ेंगे, चाहे उसके लिए घर, गाड़ी, ज्वेलरी, कुछ भी बेचना। पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है। कंपनी में क्या होगा, कंपनी बंद हो गई, एसेट आपने सेल किए, लाइबिलिटीज पे करना शुरू की, कैश खत्म हो गया, लाइबिलिटीज खत्म नहीं, तो अब आपको घर से पैसे नहीं लाने, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, वो उनका नुकसान जिन्होंने पैसे लगाए थे, लेने थे, कम लगाए नहीं लेने थे कंपनी, ठीक है। नहीं, जैसे आपको कोई सप्लायर है, क्रेडिट पे आप रॉ मटेरियल ले रहे थे, तो अब वो उसका नुकसान होगा आपका। ये इसका मतलब भी कह सकते हैं कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड। यानी बुक्स में इस तरह लिख भी लिखा हुआ है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी आपकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड। यानी कि एक शेयर होल्डर का मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जितना उसने इन्वेस्ट किया, मजीद आपको पैसे नहीं लगा, ठीक है। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी आपकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड, जबकि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं, आपको मजीद पैसे लाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी शेयर्स इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, या कह लें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो कंपनी में क्या, देखें शेयर्स खरीदने का मतलब क्या होता है, आप ओनर बन गए ना। अच्छा, आप शेयर कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी, तो इसका मतलब ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर हो सकती है और इजीली ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान बिजनेस है, अब आप बिजनेस सेल कर रहे हैं, अपना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी अगर आपकी पर्सनल दुकान है, आपने सेल करना है, तो उसको टाइम लगते हैं, ठीक। इसी तरह पार्टनरशिप में भी होगा, टाइम लगता है ओनरशिप चेंज होने में। कंपनी में इजीली ट्रांसफर, ओनरशिप आपकी इजीली ट्रांसफर हो जाती है। आज आपने शेयर खरीदे, आप शेयर होल्डर बन गए, ओनर बन गए, एक महीने बाद आपने शेयर्स ओनरशिप ट्रांसफर, तो इन ओनरशिप आपकी इजीली ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ओनर और मैनेजमेंट सेम होती है, ये कंपनी में अलग अलग होते हैं। ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स, मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स
डायरेक्ट। अच्छा, ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज, सेपरेट होना बेहतर है सेम होना बेहतर, दोनों बेहतर है? हाँ, एडवांटेज अगर बात करें इसके क्या हो, बेटा घर बैठे पैसे मिलेंगे। अच्छा, और सेपरेट, आपको मैनेजमेंट में हाँ, करना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है शेयर होल्डर राइट में, ठीक है। और होगा। हर हर शेयर होल्डर को थोड़ी पता कि कंपनी कैसे चलानी, क्योंकि पैसा तो किसी के पास भी आ सकता है, लेकिन नॉलेज अक्ल तो हर किसी के पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब आपके पास पैसा है तो इसका ये नहीं, आपको तो अक्ल भी होगी, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि सेपरेट होना, कि जो ओनर्स हैं वो इन्वेस्ट करके साइड पे हो जाए, और जो अक्लमंद हो गए कुछ, उनको आप एज अ डायरेक्टर लेकर आ जाए, मैनेजमेंट दे दें, ताकि वो बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सके। और शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं, तो इतने सारे लोग मिलकर चला भी नहीं, क्योंकि तो जितने शेयर होल्डर होंगे कंपनी से ज्यादा जगह तो उनको बैठाने के लिए चाहिए, बैठेंगे कहाँ। तो ये बेहतर है, क्योंकि पैसे सबके पास होते हैं लेकिन अकल सबके पास, सेपरेट होना बेहतर। अच्छा, ये तो हो गया इसके कुछ फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स थे, जिनके बेस पर आप कंपनी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में डिफरेंशिएट भी कर सकते। तो ये इसके फीचर्स आप याद रखना, आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। शेयर्स का पता है आपको, शेयर्स का तो नाम सुना है, शेयर क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे? कंपनी के शेयर होते हैं, शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, शेयर कंपनी तो कैसे डिफाइन ओनरशिप कैसे कर सकते हैं? पार्ट ओनरशिप ऑफ होती है ओनरशिप पार्ट ऑफ ओनरशिप कंपनी के, नहीं तो नहीं, कंपनी 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 का कैपिटल है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको शेयर कहते हैं। अच्छा, मतलब शेयर के मीनिंग क्या होता है, जो बात करें अगर, हिस्सा होता है ना, शेयर के मीनिंग एक हिस्सा होता है ना, शेयर आपका हिस्सा इतना है, तो इस तरह का यहाँ भी वही मीनिंग वही है इसके, हिस्से के। देखिए इसमें होता है कि कंपनी की जो कैपिटल होती है, एक बड़ा अमाउंट होता है, उसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एक हिस्सा या शेयर। तो इन शॉर्ट इसको आप डिफाइन क्या कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। अच्छा, ये जो डेफिनेशन पहले वाली, ये अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ है, लॉ ने कैसे डिफाइन किया, क्या शेयर क्या है, शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो जो कंपनी की कैपिटल है उसमें जो आपका हिस्सा है उसको हिस्सा कहें, जो आपका एक शेयर होगा छोटा सा वो शेयर कहलाएगा आपका। जैसे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी की कैपिटल है, 1 करोड़ की आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं 1 लाख, तो आपका शेयर कितना है, हाँ ठीक, जो आपका इन्वेस्ट। या इसको दूसरी तरह इसमें लिख सकते हैं बुक्स में, क्या शेयर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक। जो कंपनी की कैपिटल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो कैपिटल, मैनेजमेंट। कितने शेयर होंगे, कितने शेयर होंगे, वो तो जब कंपनी तो डिपेंड करता है, जब कंपनी आप रजिस्टर्ड करवाते हैं उस पर डिसाइड किया जाता है, जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं ना वो डिसाइड, बिजनेस के हिसाब से आपकी नेचर के हिसाब, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आप अपने शेयर्स रजिस्टर करवा। ये भी स्टार्ट में रजिस्टर्ड होते हैं कि आपकी जो कंपनी खुलेगी वो मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते, अथॉरिटी परमिशन ली जाती है। हाँ, हाँ लेट्स इट वेट, अपडेट कहाँ तो परसेंटेज वगैरह, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने शेयर हो सकते हैं कंपनी, कितने हो सकते हैं कंपनी, मैक्सिमम कितने शेयर इश्यू कर सकती है, शेयर होल्डर होते हैं, शेयर्स की बात, 1 लाख शेयर हैं, 2 लाख शेयर हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 50 लाख हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस में, जब कंपनी फॉर्म की जाती है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, तो उसी में ये भी डिसाइड हो जाता है कि आप कितने शेयर इशू कर सकते, अथॉरिटी ली जाती है कि आपकी कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है, तो फॉर्मेशन के टाइम पे सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि एक बार डिसाइड हो गया तो लाइफ टाइम वही रहेगा, बाद में वो चेंज भी हो
कि आपका बिजनेस है, आप में जो मैक्सिमम आपके ऑथोराइज हुए थे, परमिशन आपको मिली थी, वो आपने सब इशू कर दी। अब आपने मजीद बिल्डिंग बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना है, तो आपको मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो अपने शेयर ही नहीं है, खत्म हो गए सारे इशू, हो गए 100%। प्राइस उसको फिर हम इंक्रीज करवाते, इसका एक प्रोसीजर होता है, नहीं प्राइस नहीं, इसका प्रोसीजर है, फिर आप अपने शेयर्स को इंक्रीज करवा सकते हैं बाद में। ये नहीं कि एक बार जो डिसाइड ऑथोराइज हो गए वो लाइफ टाइम हो रहेंगे, ऐसा नहीं, बाद में चेंज हो जाए, हम भी करवा सकते हैं ज्यादा भी। तो जैसे कि मैंने लिखा था, फर्ज करेंगे हमारा कैपिटल है, हमने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल कितनी होगी, मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है। और जिसको आपने क्या किया, 10 लाख को डिवाइड किया 1 लाख, 1 लाख से स्मॉलेस्ट यूनिट, एक यूनिट की प्राइस कितनी बनी, 10 रुपए, तो एक शेयर हमारा कितने का हो गया, 10 रुपए। तो मार्केट में हम 10 रुपए का एक शेयर देंगे, तो 1 लाख शेयर इश्यू होंगे, तो पूरे 10 लाख हमारे पास कैश हो, ये कहलाएगा आपको क्या, स्मॉलेस्ट 10 रुपए के, 100 हो गए। ये मैक्सिमम कैपिटल ये थी, इसको हमने अच्छा 2 लाख में भी डिवाइड कर सकते, एक यूनिट कितने का हो गया, स्मॉलेस्ट, ये कह रहा है शेयर, ठीक है। हाँ, ये आपका अमाउंट है, ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ 1 मिलियन की कैपिटल को हमने 1 लाख में डिवाइड किया, तो एक शेयर कितने का बन गया, 10 का, से डिवाइड कर दिया तो 5 रुपीज का शेयर हो। यहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू कर सकेंगे, यहाँ मैक्सिमम 2 लाख इशू कर सकेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि महंगा शेयर होता है तो शेयर होल्डर कम हो जाएंगे, इन्वेस्टर कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो जितने बोल बात है, जो महंगी चीज होंगी उसके बायर कम होते हैं, सस्ती चीज के बायर, तो महंगा शेयर होता है, जिन कंपनी के शेयर्स महंगे हैं तो उनके इन्वेस्टर थोड़े कम हो जाते हैं, सस्ते होंगे तो उसके इन्वेस्टर ज्यादा हो जाते। नॉर्मली जो वैल्यू होती है ज्यादातर वो 10 होती है। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है हमारी बेस इनिशियल वैल्यू, इसे हम कहते हैं पार वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल कंपनी वैल्यू। नहीं, और नॉर्मली अगर सारे इश्यू भी नहीं करते। अच्छा, और अच्छा ये होती है पार वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू होती है हमारी ओरिजिनल प्राइस, उसके बाद फिर ये मार्केट वैल्यू उसकी क्या होती है, चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। और तो ये 5-10 रुपए से जो है वो हजारों में भी जा सकते, तो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, इनिश बेसिक वैल्यू आपकी ओरिजिनल प्राइस का 10 मिलियन। एक नई कंपनी हमने फॉर्म की, हमने कहा हमारे एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज, 10 रुपीज का शेयर, 10 रुपए में हमने देना शुरू कर दिया सबको, तो ये जो 10 रुपए, ये कहलाते हैं आपकी पार वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स पे बात, शेयर्स हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक, अच्छा, दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव, वहां लिखा है नॉन क्यूमुलेटिव, यहाँ पर क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, सो बात करेंगे। बात पहले शेयर्स की बात करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, और घर वालों के इशू ऐसा कुछ। पहले ज्यादा और बता शेयर में प्रॉफिट वो जरूरी नहीं, वो तो खैर दोनों का भी हो सकता है, पर फिक्स होता है, ये बोल फिक्स होता है, फिक्स परसेंटेज। हाँ, कैन यू थिंक पहले इसमें कैसा राइट फायदा? पढ़ा था ज्यादा कम नॉर्मली कर वही होता है, वैसे तो नॉर्मली। फिर होता है हाँ, जो
इनका होता है वो उधर वाला इधर इधर उसको देखे क्यों बता अपनी नाली से मिला इनका अभी क्लास में अच्छा हाँ जी डिफरेंस क्या होता है आ जाता है ऑर्डिनरी और प्रोफेशनल इसे देखें ओके जी पहला पॉइंट क्या है कि कैरी वोटिंग राइट्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट अब सुकून हो जाएगा क्लास अब इसका भी फायदा होगा सुकून आप सुकून अभी धोखा भट्टा भी करना दोनों का भी करवाना बहुत बातें करना क्या पढ़ अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ कॉमेडी कर रहा हूँ अच्छा डिफरेंस क्या है कैरिंग वोटिंग राइट्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स क्या मतलब हुआ वोटिंग राइट्स कैसे हाँ डायरेक्टर कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है उसके लिए कौन वोट कास्ट करता है ऑर्डिनरी वालों के पास राइट्स होते हैं के पास प्रीफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते इससे कोई अगर डिफरेंस क्या पूछता है को अपॉइंट डायरेक्टर डायरेक्टर अपॉइंट अपॉइंट करते डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तो उसके इलेक्शन होते हैं ना इलेक्ट होता है मतलब डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते इलेक्ट होते ये बोलेंगे सही वर्ड क्या है डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते डायरेक्टर इलेक्ट होते इलेक्शन होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वोट कास्ट करते हैं जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो डायरेक्टर बनता है करते ये जो डिफरेंस है ना बोलो वो भी करते तो भी एक ही चीज हो जाते अलग कैसे दो चीजें हैं तो कुछ फर्क होगा ना अगर दोनों के पास राइट्स हो जाएं तो एक ही हो जाएगा फिर ठीक इसलिए दो अलग अलग चीजें बनी है तो डिफरेंस भी रखेंगे ना ठीक कि भाई आपको वोटिंग राइट चाहिए तो वो वाले खरीद लें वोटिंग राइट नहीं चाहिए तो ये वाले खरीद लें ऐसे ही अच्छा सेकंड क्या वो भी बताता है इसकी वजह क्या है क्या अच्छा देखिए जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उसका मतलब हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं किसी बिजनेस में ताकि प्रॉफिट मिले अच्छा कंपनी की तरफ से जो प्रॉफिट मिलता है उसे क्या कहते हैं अच्छा जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता फिक्स नहीं होता मतलब हर साल इनका डिविडेंड चेंज होता रहता है डिपेंड करता है प्रॉफिट प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा प्रॉफिट कम तो डिविडेंड भी कम बाद होता है कि प्रॉफिट होने के बावजूद डिविडेंड नहीं भी मिलता ठीक है तो वो कौन डिसाइड करते हैं वो फिर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं ये साल कितना डिविडेंड देना है नहीं देना जो भी है प्रेफरेंस वाले जो होते हैं इनका डिविडेंड फिक्स होता है शेयर उसी को इश्यू करते हुए इन्हें बता दिया जाता है कि हर साल कितना परसेंट डिविडेंड मिले ठीक है फिर नहीं मिलेगा ठीक इनका फिक्स होगा उनका फिक्स नहीं होगा ओके सेकेंड क्या है पहले जब डिविडेंड जब पे करने का टाइम आता है तो पहले प्रेफरेंस वाला को डिविडेंड दिया जाता है उसके बाद ऑर्डिनरी वाला को डिविडेंड दिया फिक्स से पहले इनको देंगे उसके बाद प्रॉफिट बचेगा तो ऑर्डिनरी वालों को डिविडेंड मिलेगा नहीं बचा तो नहीं मिलेगा अच्छा तो इसका मतलब है कि रिस्क कौन ले रहा है ऑर्डिनरी वाला रिस्क पे है ना अच्छा तो और ओनर कौन होता है एक्चुअल में बिजनेस का ओनर कौन होता है जो रिस्क क्यों नहीं जनरल बात करें एक जनरल बात करते हैं ओनर कौन होता है जो रिस्क लेता है ना बिजनेस तो है ही रिस्क है ना आपका बिजनेस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मीन्स आप एक रिस्क ले रहे हैं चल भी सकता है नहीं भी चल सकता तो रिस्क कौन ले रहा है यहाँ पे ऑर्डिनरी वाले प्रेफरेंस वाले रिस्क नहीं ले रहे ना तो इसीलिए देखें ना आप ये वो रिस्क ले रहे हैं उन्हें कभी डिविडेंड मिलेगा कभी नहीं मिलेगा कभी कम कभी ज्यादा ना इनका फिक्स है घर बैठे हुए तो इसीलिए फिर उनको वोटिंग राइट भी दिए गए इनको वोटिंग राइट एक्चुअल ओनर कौन है और नहीं भाई वो रिस्क ले रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं डिविडेंड भी फिक्स नहीं है मिल भी सकता है नहीं भी मिलेगा और बाद में मिलेगा इनका फिक्स है तो एक्चुअल ओनर कौन हुए तो रिस्क ले रहे हैं ना आपने बैंक से लोन लिया बैंक से आपने लोन लिया इंटरेस्ट देना पड़ेगा
देते हैं ना लोन पे इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट देंगे या डिविडेंड बांटेंगे? पहले इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो डिवाइड होगा, ऐसा ही है। जैसे आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, आपने लोन लिया है, लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है, तो पहले इंटरेस्ट देंगे आपस में प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे, पहले इंटरेस्ट देंगे फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो डिवाइड होगा। तो ये उसी तरह, नहीं समझेंगे एक तरह का ये बैंक ही है आपका, कि आपने इनसे लोन ले लिया और फिक्स परसेंटेज दे रहे हैं, इंटरेस्ट में भी यही होता है, तो इसलिए इनको वोटिंग कार्ड नहीं दिया ना। तो एक्चुअल में ओनर कौन हो गए? ये तो एक तरह से आप पहले लोन प्रोवाइडर हो गए, लोन ही दे दिया ना उन्होंने, कि कंपनी से शेयर खरीद लिए, अपना डिविडेंड फिक्स करा लिया, वो इंटरेस्ट ही हो गया फिक्स, मिल भी रहे, तो एक तरह का समझे लोन ही हो गया, तो इसलिए फिर इनको वोटिंग राइट नहीं दिया, उनको वोट नहीं दिया। तो ये वजह है, ठीक है, इनका फिक्स करके इनको कह दिया, ठीक है भाई आपने इन्वेस्टमेंट की, ये डिविडेंड आपको मिलेगा, आप घर बैठे आराम करें, आपको कुछ नहीं करना, चलिए करें, सारी टेंशन कौन लेंगे? अच्छा, अब जो प्रेफरेंस है इसकी फर्दर दो टाइप्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, रिडीमेबल के मींस होंगे यहाँ रीपेएबल, रीपेएबल, ठीक है। हाँ, एक तो ये आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये क्या होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या है शेयर मींस दैट कंपनी विल रिडीम रीपे द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दोस शेयर्स एट अ लेटर डेट, यानी कि ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए इश्यू होते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद कंपनी शेयर होल्डर्स को रीपे करके अपने शेयर्स वापस ले, यानी कि जो शेयर होल्डर थे वो भी शेयर होल्डर बन गए। अच्छा, ये एक फिक्स पीरियड के लिए इश्यू होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आज क्या होता है कंपनी जो शेयर होल्डर को पेमेंट करके अपने शेयर्स वापस ले लेती है, फिर आप शेयर होल्डर पहले, हाँ जी, तो सब पहले पता कि भाई 5 साल के लिए इश्यू कर देगा, ठीक, अब आपने खरीद लिया, आपको पता है 5 साल तक आपके पास रहेंगे, 5 साल बाद कंपनी आपको पेमेंट करके आपसे अपने शेयर वापस ले लेगी, फिर आप शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, पेमेंट ही होगी, डिविडेंड तो प्रॉफिट है ना, वो तो अलग वेलकम टू है, कर सकते हो तो वैल्यू कंपनी खुद बढ़ाती नहीं है ना कम करती, मार्केट पे डिपेंड, डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल अप्लाई होता है, जिस कंपनी के शेयर्स की डिमांड होती है उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, उसकी डिमांड कम होती है उसके कम हो जाते हैं। कौन कंपनी शेयर कहाँ से खरीदेगी आपका नाम? इनसे? हाँ, तो आगे वो तो लिखा है ना, नॉमिनल वैल्यू द पार वैल्यू, जो भी मैंने लिखवाया था ना, 10 रुपए ओरिजिनल प्राइस होगी, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए, मार्केट वैल्यू हो गए 500 रुपए, 5 साल बाद 500 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए, 10 रुपए, 10 रुपए ये मेंशन है ना, बता दिया कि 10 रुपए ही मिलेंगे मार्केट वैल्यू, तो ये तरह का लोन ही हो गया ना, समझे, एक तरह का लोन ही हुआ, 1 लाख रुपए देंगे तो 1 लाख ही मिलेंगे, तो एक तरह का लोन ही हो गया ना, 1 लाख रुपए दिए आपने, 1 लाख ही मिलेंगे आपको, बाकी हर साल की आपको फिक्स डिविडेंड। अभी अभी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इस्लामियत नहीं पढ़, वो जुम्मे को मैं रखूंगा इस्लामियत की क्लास, उससे बात करेंगे हराम हलाल, अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, चल रहा है यही, आके चलता है बस आराम होना, और कहीं नहीं चलता, तो देख इंटरेस्ट पे आके सबका दिमाग चल जाता है, बाकी किसी चीज में नहीं। हाँ, क्या क्या फायदा मिलता है? हाँ, मैंने हो गई एरिया, हाँ अगले टॉप 100 में देंगे, बस यहाँ ऐसे ही, हाँ उसको कंफ्यूज देखो होती है, मार्केट वैल्यू डाउन भी होती है, बढ़ती थोड़ी। अच्छा, तो इसमें डिफरेंस क्या है, रिडीमेबल एक फिक्स पीरियड के लिए इशू होते हैं, उसके बाद कंपनी रीपे करके अपने शेयर्स वापस दे रही थी, पर आप शेयर होल्डर नहीं, फिर क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड लाइक लोन्स एंड आर इंक्लूड, अच्छा इसके बाद क्या आता है,
अच्छा, इसमें क्या इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक अदर शेयर्स, दे फॉर्म पार्ट ऑफ इक्विटी एंड देयर डिविडेंड्स आर ट्रीटेड एज अपोर्शनमेंट ऑफ फॉर्म। अच्छा देखिए, शेयर्स आपके क्या है, कैपिटल इक्विटी का पार्ट है ना, लेकिन ये जो देखिए ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, बैलेंस शीट बनाते हुए उसको हम इक्विटी में इंक्लूड करेंगे, इरिडीमेबल को बैलेंस शीट बनाते हुए इक्विटी में इंक्लूड करेंगे, लेकिन रिडीमेबल को बैलेंस शीट बनाते हुए हम नॉन करंट लायबिलिटी में इंक्लूड, इसको इक्विटी का पार्ट नहीं दिखाते, ये इसको एज अ लायबिलिटी। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रीटेड लाइक लोन्स एंड आर इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। अच्छा, इनको जो अच्छा डिविडेंड जो कंपनी देती है उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी जो शेयर होल्डर से प्रॉफिट डिवाइड कर रही है, डिविडेंड दे रही है, तो जो डिविडेंड देगी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट कम करेंगे उससे या एक्सपेंस चार्ज करेंगे, एक्सपेंस ही होगा, क्यों हुआ, कंपनी किसकी है, कंपनी किसकी है, प्रॉफिट किनको मिल रहा है, तो एक्सपेंस ही होगा, ओनर अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आप घर लेकर यूज कर दिया, तो वो क्या एक्सपेंस होगा, तो कैपिटल से माइनस प्रॉफिट कम हो गया। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो है पार्टनर से डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, वो एक्सपेंस चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना। अच्छा, तो ऑर्डिनरी वालों को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, इरेडीमेबल वालों को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या अपोर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन रिडीमेबल वालों को जो डिविडेंड देंगे उसे हम एक्सपेंस चार्ज। ठीक है, अब इन शॉर्ट ये कह लें, लोन का दूसरा नाम रिडीमेबल प्रेफरेंस। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और लोन का ट्रीटमेंट सेम, सिर्फ नाम का फर्क है, इससे सिर्फ क्या होता है, थोड़ा लीगल टर्म्स चेंज हो जाती हैं, ये शेयर होल्डर है वो लोन, लीगल टर्म्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं, यहाँ लॉ डिफरेंट है वहां लॉ पर डिफरेंट है, बाकी ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल लोन वाला हो। लोन को कहाँ दिखाते हैं, लोन का नॉन करेंट लायबिलिटी में, ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी, इस पर इंटरेस्ट देते हैं, एक्सपेंस चार्ज होता है, इस पर डिविडेंड देंगे वो भी एक्सपेंस ही चार्ज। इसमें कंपनी या होता क्या होता है, लाइक टाइम फिक्स होता है, लिखा फिक्स टाइम, फिक्स इशू करते वक्त बताया जाता है कि कितने साल के लिए इशू कर रहे हैं। सर ये आपके जितने होंगे उसमें मिलेंगे, टोटल क्या मतलब, नहीं, आप में जितने लिए उसमें मिले, जिसके बाद सर ये पूछना है कि प्रेफरेंस शेयर वाले तरीके से रिस्क ले रहे हैं कि नहीं, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर प्रॉफिट में मिले तो प्रेफरेंस शेयर वाले तो रिस्क ले रहे हैं। साल ले रहे हैं, फिक्स है ना, 10% हर साल मिलेगा आप लोगों को, प्रॉफिट कम हो जाए तो कितने पैसे लगा उसका, 10% डिपेंड डिपेंडिंग, तो ये लिखा है ना फिक्स, ये फिक्स होगा, फिक्स होगा 10% फिक्स होगा, इनका डिपेंड करता है, कभी 2% कभी 5% कभी 10 कभी 15 कभी 20, तो ये रिस्क नहीं ले रहे ना, फिक्स है। लोन क्या होता है, लोन में ये होता है ना इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, रिस्क तो नहीं होता, सेम वही चीज है, फिक्स है, रिस्क नहीं, रिस्क उधर है, कम मिले ज्यादा मिले, मिले ना मिले, जी ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया, प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी का और रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था, वहां क्यूमुलेट नॉन क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है, और इधर क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, इसका क्या मतलब है, ठीक है, कंटिन्यूस इसका मतलब क्या मतलब क्या क्या मतलब, नहीं और परपेचुअल क्या क्यूमुलेटिव, नहीं मतलब सर ये आपने सही वो पढ़ा था पर डेप्रिसिएशन याद है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल का ऐड होता रहता है, हर साल का डेप्रिसिएशन ऐड होता रहता है तो आपका एक्यूमुलेटेड आ जाता है, यहाँ भी कुछ वही मीनिंग है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो नॉन, ये नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिस साल डिविडेंड मिला मिल गया, जिस साल नहीं मिला नहीं मिला,
एक साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस में दोनों टाइप्स होती है, क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। वो जब कंपनी इश्यू करती है तो बता देती है वो न्यू क्यूमुलेटिव इश्यू कर रही है या नॉन क्यूमुलेटिव, वो तो इश्यू के टाइम पे बता, सारी चीजें डिसाइड होती है। तो क्यूमुलेटिव होंगे तो क्या मतलब होगा, क्यूमुलेटिव मतलब ये होता है कि अगर एक साल आपको डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो, नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेट होकर डबल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट ईयर भी कंपनी ने पे नहीं किया तो थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, थर्ड ईयर में 3 टाइम्स मिले, लेकिन जब तक कंपनी डिविडेंड नहीं देगी वो एक्यूमुलेट होता जाए। ये है नॉन क्यूमुलेटिव का, कि आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहेगा। बाकी नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट नहीं होता, जिस साल मिला मिल गया, जिस साल नहीं मिला नहीं मिला। तो डायरेक्टर अपना डिसाइड करता है मीटिंग में ईयर एंड पे। तो ऑर्डिनरी तो सिर्फ नॉन क्यूमुलेटिव होता है, जिस साल डिविडेंड मिला मिल गया, जिस साल नहीं मिला तो मतलब रिस्क यहाँ भी आ गया। इसमें दोनों टाइप हो सकती है प्रेफरेंस में, क्यूमुलेटिव भी और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, नहीं ये तो इसी में आ गया ना, ये दोनों हो सकते हैं। हाँ या ये पॉइंट इन दोनों, ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, ये भी क्यूमुलेटिव ये अप्लाई हो। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट इस पर भी अप्लाई होंगे, ये वाले पॉइंट्स इस पर भी अप्लाई, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जी। ठीक है, अच्छा ये तो डिफरेंस हो गया शेयर्स का, टाइप्स हो गई।